भैया रखो राम राम। हम आकाश और आप दिख रहे आकाश सिलेक्शन ऑनलाइन। आज अपन अध्याय 5 सत्ता रसायन पढ़ हैं। कबों भी जब अपन नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ओके पहले जो चैप्टर को नाम है ओ को हमें मतलब बहुत अच्छी तरीके से पता हो गए। यहाँ पर तो देखो सिंपल लिखा है सत्ता रसायन। क्या लिखा है? सत्ता रसायन। आप कह सकते हो कि भैया सत्ता की रसायन पढ़ेंगे सत्ता रसायन में। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हम जानेंगे सत्ता क्या होती है। तो एक छोटी सी परिभाषा, सतह आप जानते हैं, जैसे जो आप मोबाइल चला रहे हैं, आप जहाँ टच कर रहे हैं तो मोबाइल क्या है? सतह है। जो टच गार्ड है, टच गार्ड की जो आप टच कर रहे हैं वो क्या है? सतह है। जो दीवार है, दीवार की क्या है? सतह है। जो जमीन है, जमीन क्या है? एक सतह है। आप सतह जानते हो। अपन एक परिभाषा पढ़ लेते हैं छोटी सी, कि दो व्यवस्थाओं को पृथक करने वाली परिसीमा सतह कहलाती है। इसके बाद आपको सतह रसायन क्या है, तो मैंने बहुत सरल शब्दों में लिखा है कि रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, सतह रसायन कहलाता है। ओके, तो आपको सतह क्या है, सतह रसायन क्या है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसके बाद एक नया वर्ड आता है अधिशोषण। देखो यहाँ पे लिखा है नया वर्ड अधिशोषण। आपके लिए ये जो वर्ड लिखा है ना, बिल्कुल बिल्कुल नया है। क्या है? बिल्कुल नया है। आपने अभी तक क्या पढ़ा है? अवशोषण। क्या पढ़ा है? अवशोषण। अवशोषण वर्ड को आपने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, लेकिन जो अधिशोषण वर्ड है वो बिल्कुल आपके लिए नया है। देखो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो आपके पास एक फॉर्म का टुकड़ा है। काय का टुकड़ा है आपके पास? फॉर्म का टुकड़ा, ठीक है। मेरे एक हाथ में फॉर्म का टुकड़ा है और दूसरे हाथ में मेरे पास फॉर्म का टुकड़ा ही है। अब मैंने क्या किया कि एक फॉर्म का टुकड़ा को हमने जल में डाल दिया। किसमें डाल दिया? जल में डाल दिया, ठीक है। तो देखो जब अपन फॉर्म के टुकड़े को जल में डालेंगे तो क्या होगा कि जो जल के अणु हैं फॉर्म के टुकड़े में समान रूप से वितरित हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो जल है, ठीक है, जल फॉर्म में पूरी तरीके से भर जाए, है कि नहीं। इसके बाद हमने क्या किया, जो मेरे हाथ में दूसरे फॉर्म का टुकड़ा है मैंने वो लिया और मैंने इस बोर्ड को साफ कर दिया, ठीक है, साफ कर दिया, कर दूंगा बाद में। तो क्या होगा कि जो इस बोर्ड पे आपको जिस स्याही दिख रही है, कुछ जो लिखा दिख रहा है, वो साफ हो जाएगा और जो पूरी स्याही वो कहां जाएगी? मेरे दूसरे वाले फॉर्म के टुकड़े पे। अगर आप इन दोनों में अंतर समझें तो जो फॉर्म के टुकड़े पे जो स्याही आई है वो केवल सतह पे आई है। जैसे मैं यहाँ पे एक डस्टर बना दूं, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए एक डस्टर है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा कि ये केवल केवल किस पे है? सरफेस पे। अगर आप उस फॉर्म को थोड़ा सा फाड़ोगे तो उसके अंदर आपको स्याही नहीं मिलेगी 100%। आप कभी करके देख लेना। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपने फॉर्म का टुकड़ा डाला है, मतलब कोई एक पदार्थ पहले से है और दूसरा पदार्थ आपने इसमें डाला है, तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्ण तरीके से वितरित है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो अधिशोषण है, क्या है? अधिशोषण। अधिशोषण में केवल केवल सरफेस पे है। क्या है? सरफेस पे। तो हम कहते हैं कि जो अधिशोषण है, क्या है? अधिशोषण। अधिशोषण है एक पृष्ठीय घटना। कैसी घटना है? पृष्ठीय घटना। जैसे मैंने बताया कि एक फॉर्म का टुकड़ा है, फॉर्म के टुकड़े से हम इस पूरे बोर्ड को साफ कर देंगे और जो पूरी स्याही है, स्याही कहां जाएगी? केवल केवल फॉर्म की सतह पे। कंफर्म। तो देखिए यहां पे मैंने आपके एग्जांपल दे दिया फॉर्म के टुकड़े का। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक टर्म है अधिशोषक और एक टर्म है अधिशोष्य, ठीक है। तो अधिशोषक और अधिशोष्य क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो जैसे कोई दीवार है, ठीक है, कोई दीवार पे अपन को कलर करना है, ठीक है, तो अपन अगर दीवार पे कलर करेंगे तो जो दीवार है, ठीक है, दीवार है अधिशोषक। क्या है? अधिशोषक। देखो वह ठोस पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है। दीवार क्या है? एक सतह है, उस पर हम कलर कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? अधिशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? अधिशोषण हो रहा है। तो जिस पदार्थ को अपन चुनेंगे, ठीक, कोई भी हो, ठीक है, जिस पदार्थ को अपन चुनेंगे वो होगा अधिशोषक। क्या होगा? अधिशोषक। और जो अपन ने मानी सिर्फ दीवार चुनी है, ठीक है, तो दीवार क्या हो गई? अधिशोषक। और दीवार पे अगर अपन कलर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कलर कर रहे हैं, तो जो कलर है, कलर हो गया अधिशोष। क्या हो गया? अधिशोष। तो यहाँ पे लिखा है वह ठोस पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है
वो अधिशोषक कहलाता है और अधिशोषित पदार्थ मतलब जिसने मतलब जो अधिशोषक की सतह है उस पे जो सोख लिया उसने पदार्थ, ठीक है, तो अधिशोषित पदार्थ ही अधिशोष कहलाता है। ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी, छोटी छोटी डेफिनेशन थी जिसकी आपको पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। आशा करते हैं कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो हाँ कहिए, अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है। तो 5 मिनट की वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।